हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मॉम्स मैजिकल पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक हेल्दी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने और आम की चटनी, जिसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मुश्किल काम है, चटनी तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन हमारे ढंग से चटनी बनाएंगी तो आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चटनी के साथ ही आप पूरा खाना खा लेंगी। इसके लिए हमने ये धनिया, पुदीना, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अदरक, लहसुन और ये 4-6 हरी मिर्च डालेंगे। इसमें हम 2 लाल मिर्च भी डालेंगे। इन लाल मिर्च को हम बर्नर पे सूखा ही भून लेंगे, किसी ऑयल में नहीं भूनेंगे। और इसमें हम ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जो कच्चा ही रहेगा, इससे चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए देखते हैं हम चटनी कैसे बनाते हैं, और फिर आप हमारे ढंग से चटनी बना के एक बार टेस्ट करिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं, हम आम को छील लेते हैं और पुदीने की पत्ती को अलग कर लेते हैं डंठल से, और अदरक छील लेते हैं, लहसुन छील लेते हैं, और तब हम चटनी बनाते हैं। तो हमने पुदीने और धनिया की डंठल अलग कर लिया है, आम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, गुठली अलग कर लिया है, और हरी मिर्च के डंठल को तोड़ लिया है, और ये लाल मिर्च को हमने बर्नर पे सूखा ही भून लिया है, और लहसुन छील लिए हैं। अब चलते हैं हम चटनी बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ये धनिया पुदीना डालते हैं, और आम डाल देते हैं, सूखी मिर्च, लाल मिर्च दोनों ही हम इकट्ठे डाल देते हैं, लहसुन की कली डाल दे रहे हैं, अदरक डाल दे रहे हैं, स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, सरसों का तेल जो हम डालेंगे चटनी में वो हम चटनी बन जाने के बाद डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ये पानी ऐड करते हैं। और अब हम चलते हैं चटनी को पीस लेते हैं। तो देखिए, हमारी पुदीने और आम की चटनी पीस के तैयार है खाने के लिए। इसमें हमने जो सूखी लाल मिर्च भून के डाला है, उससे चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और ये हम 1 टेबलस्पून जो मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, इससे भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो आप हमारी इस चटनी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारी चटनी तैयार है खाने के लिए। आप इसको पकौड़ी के संग खाइए, फारे के संग खाइए, या खाने के संग साइड में रख के खाइए, और हमारी ये चटनी 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी। तो आप हमारी इस चटनी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।